नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद बुलंदशहर की नरसेना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात गो तस्कर 25,000 रुपए का इनामी टॉप 10 अपराधी जिसान कुरैशी को थाना नरसेना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और मौके से एक बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। रात में थाना प्रभारी नरसेना श्री सोकेंद्र सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि एक साथी गो तस्कर अपराधी गोपसी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बाइक पर सवार होकर सियाना की तरफ से केला मोड़ होते हुए गांव जलालपुर की तरफ जाएगा। इस सूचना पर फौरन कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नरसेना श्री सोकेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर केला मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी और उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार एक बदमाश आता दिखाई दिया, जिसको टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोकने की कोशिश की गई, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की तो बदमाश को गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने रात में ही उपचार के लिए CHC सियाना में भर्ती कराया। घायल बदमाश जिसान कुरैशी सातिर किस्म का कुख्यात गो तस्कर अपराधी है, जो थाना नरसेना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 115/20 धारा 3/5A/8 गोवध अधिकरण में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये थाना नरसेने का टॉप 10 अपराधी है। सर, नरसेना में मुठभेड़ के बाद इनामी पकड़ा गया, किस तरह आता है? ये जिसान कुरैशी नाम का अभियुक्त है, जलालपुर गांव का रहने वाला है, थाना नरसेना का, और एक कुख्यात गोकस का अपराधी है। कई मुकदमे इसके विरुद्ध गोकसी के हैं। टॉप 10 का अपराधी था। 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि इसकी गिरफ्तारी पे घोषित की गई थी। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी, घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल आदि बरामद। के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।